दीदी मुझे 22 लाख रुपए है मेरे पास, 22 लाख। तो वो अपने मतलब हमें ना वो हैसल नहीं है कि एयरपोर्ट पे पहुंच के हमें अब कैब बुक करनी है, ये सब कुछ नहीं है, सीधा वो हमें पिकअप करने आ ही जाएंगे। बाद में दोनों लड़ाई मत करना प्लीज। हाँ, नहीं करेंगे, मेरी तरफ से नहीं। ये ले ना आईफोन, ये ले ना मेरा वाला, बता ना प्यारी प्यारी फोन। इसके नए फोन में पता है जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है ना, कभी भी बाहर जाते हैं ना तो एक क्या वर्ड बोला था तूने कि हमेशा बाहर जाते वक्त एक लो की सैडनेस अंदर रहती है। आई डोंट नो कितने लोगों को रिलेटेबल लगेगा, बट हमारे साथ तो ये होता है। हम वैसे मरते रहेंगे, जाना है जाना है जाना है, और जब जाते हैं तो फिर घर से जाने का मन भी नहीं करता। कल इसको ऑफिस जाना है, मुँह चला रही है, और जिम भी जाना है, और मेरे को तो सिर्फ जिम जाना है, और मुझे तो ऑफिस जाना नहीं होता बिकॉज आई एम वेली। तो यही है यार, वी आर फीलिंग वेरी सैड। सो हाँ, ये वाला बैग है। सामान मम्मी मैं से भी निकाल दे तो दे आऊंगी गाँव में जाके कपड़े। सबको हाय भेजो सबको। ये गुड बाय, मैं तो बहुत जिंदा बिल्ला हूँ, तो हाय बोलो। ये बाली जाने से पहले अपने लिए आईफोन ऑर्डर कर रही है। ये किसको हाय कह रही है, मैंने कुछ बोला? इसका चल रहा है आईफोन ऑर्डर। व्हाट इज दिस? ये लोगों से ये क्रेडिट कार्ड की भीख मांग रही है कि जैसे तैसे मिल जाए, तो ये बाली में फोटोज अच्छे से क्लिक कर चुके कर चुके अगर हमारी लड़ाई भी हो तो इसे मेरा आईफोन ना मांगना पड़े। एग्जैक्टली चलो देखते हैं तेरा आईफोन आता है 27 से पहले या नहीं। अरे मेरा कल ही आ जाएगा, सुन पता नहीं कौन सा ले रही है। लेट्स सी। तो ये मीशो के बहुत सारे पार्सल्स आए हुए हैं, एंड देन वी हैव न्यू मी। तो ये सारे मैं खोलती जाऊंगी और सारे इसमें डालती जाऊंगी। एंड दिस इज माई पैकिंग आउटफिट, इट्स फ्रॉम H&M, दिस चड्डी फ्रॉम लोकल मार्केट, एंड यू नो माय फेस इज सो मेसी। ओ माय मॉम इज हियर। मैं सोया नहीं उठ पाऊंगी। क्यों? अभी लेट हो गई अभी। अच्छा, बाय मॉमी, यू आर अ क्यूटी। कोई नहीं सोया अभी। रात के 11 बजे यहाँ क्या चल रहा है ये मेरे कपड़ों के साथ? गाँव में ले जा रहे हैं, गाँव में देंगे, बता दो वहाँ पे। तो क्या हुआ, तेरा क्या चल रहा है? आईफोन आने की खुशी। इसने पापा से नहीं पूछा तो मम्मी कह रही है पापा से पूछ, पापा से परमिशन ले। पापा थोड़ी हेल्प कर देना, ये करेंगे। मत करिए, हमारे दीदी को भी दिलवाया था, एक मुझे भी दिलवाया। चलो पापा की बातें सुनते हैं। पहले पापा नहीं दिए थे ना तेरे पास? मुझे याद नहीं। एक क्यों चाहिए था? बता ना, मम्मी बोल रही है कि आपने दीदी को भी दिलवाया था। आज तो इतनी अमीर हो कि तो मेरे को दो आईफोन 15 प्रो देना पड़ता। 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. New phone for Bali. और ये इसका नया फोन, मम्मी इसने सिर्फ ये बाली के लिए लिया। आप कुछ कहना चाहती हो? हम ये कहना चाहते हैं हेयर ड्रायर, ड्रायर करने के लिए हेयर भी होना चाहिए सर पे। मम्मी टाइम बचता है इसलिए खरीदता है, बात टाइम की नहीं है बेटा। इस सकता है मेरे पास, चलो इसमें आग लगा देती हूँ। हाँ तो चिल्लाए नहीं तो क्या आरती उतार है तुम्हारी। मम्मी क्या हुआ? मैंने और मम्मी ने इसके नए फोन में इतनी अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करी है। कैसे देखते हैं इसने? शिट, मम्मी लॉक लगा रखा है, बहुत बदतमीजी। इसने क्या पासवर्ड लगाया होगा? दर्स, पक्का दर्स। मम्मी पिन है, दर्स पिन है। इसका क्या है? 0। ओह दिन, मम्मी सही थी। पासवर्ड मम्मी सही थी, कुछ भी बोलोगी नहीं थी। रुक जा, मेरे को फोटो दिखाने दे। हमने देखी फोटो, मैंने और मम्मी ने कितनी प्यारी प्यारी फोटो।
इसके नए फोन में। क्या देख तो लेते सुंदर फोटो। ये उसका क्या नहीं है? डिलीट कर दी मम्मी। बंद कर कुछ बताती हूँ। अभी कितने बज रहे हैं? 3:44 AM। वाह। और मुझे आज निकलना है। वीडियो मैंने अपलोड कर दी, सारी डिटेल्स फिल कर दी और मोनेटाइजेशन ऐड कर दिया। एवरीथिंग इज़ डन। बस अब सुबह 10:30 बजे लाइव कर दूँगी। माय पैकिंग इज़ आल्सो, इफ़ यू गाइस कैन सी, दैट्स द हाल ऑफ माय रूम राइट नाउ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पैक करूँ क्या नहीं करूँ। इतनी ड्रेसेस खरीदी थी सब ने भाड़ में, अब जो समझ आएगा मैं रख लूँगी। जॉब भाड़ में। इट्स द नेक्स्ट डे। टुडे हालत बहुत ही ज़्यादा पट्टी हो गई है, पट्टी। और मेरी पैकिंग इज ऑलमोस्ट डन, लाइक ऑलमोस्ट। लेट मी शो यू, दिस इज़ माई बैग। और मेरे को पहले दिन ही पीरियड्स हो गए हैं, मेरे को इतने गंदे क्रैम्स हो रहे हैं, मेरा दिमाग इतना मतलब चिड़चिड़ा हो रहा है ना, मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को। और सुबह से पता है कोई भी एक सिर्फ रैंडम स्टूपिड रील्स देख के मैं रोई जा रही हूँ। तो मैंने रख लिया है पैड्स एंड सम चटी। सो द थिंग इज, मेरा लगेज तो रेडी हो गया बट जो चेक इन बैग होता है ना, मेरे पास कोई भी बैग ही नहीं है जिसमें मैं प्रॉपर अपना लैपटॉप और ये सब रखूँ। तो मैं पता क्या सोच रही हूँ, अभी ब्रेकफास्ट करके, मतलब इट्स 11 AM राइट नाउ, तो ब्रेकफास्ट करूँगी, नहाऊँगी धोऊँगी, क्योंकि ये वाली पैकिंग तो हो गई। अब जो मेरा साथ जो मेरा हैंड बैग रहेगा उसमें चीज़ें रखनी है ना, लैपटॉप चार्जर ये वो, मे बी शूज़ ऑल्सो, बिकॉज इसमें आएगा नहीं। तो मैं बैग लेने जाऊँगी। वाओ। फिर आके जो पैकिंग बची है थोड़ी बहुत वो मैं करूँगी। तो ये सीन है। और इसके बाद मेरा निकलने का प्लान है यहाँ से 5:30। और आज के दिन में मेरी बहन ऑफिस गई है तो मुझे उसे रास्ते से पिक करना है, उसका भी बैग मेरे को लेके जाना है। तो वो दो लगेज लेके जाने पड़ेंगे, एक हैंड बैग, एक शोल्डर बैग, एक अच्छा मैंने बताया नहीं ना बाय द वे। तो मैं और मेरी बहन हम दोनों जा रहे हैं, अब मैं बताऊँगी, मॉल जा रही हूँ मैं, मेरे को कुछ बैग्स वगैरह लेने थे तो वो ले लेती हूँ। वेरी टायर्ड एंड पेट बहुत तेज। चलो मम्मी। टैग नहीं है वो। चलो भाई बहुत धूप हो रही है, कोई बता देगा। किसी काम का नहीं है ये मॉल। मेरे को बैग चाहिए था, नहीं मिला। बस एक वो साइड वाला जो क्रॉस बॉडी बैग होता है ना, बस वही मिला। मतलब इतने बड़े मॉल में इंसान एक ट्रैवल बैग नहीं ले सकता, तो किस काम का है ये मॉल। पुल क्या हो गया, टॉयलेट के लिए है? पॉटी। पॉटी ऐसे खुले में क्यों भाई? देसी लोग हैं। आई एम ऑल सेट। मैंने कमरा भी साफ कर दिया जितना मेरे से हो सकता था, एंड सारी पैकिंग भी हो गई। इट्स 3:30। आई थिंक मैं 5:30-6 o'clock यहाँ से निकल जाऊँगी। सो आई एम ऑन टाइम। सुनो, अगर तू ज़्यादा बोली ना, सच्ची बता रही, दोनों का गला पकड़ के वॉशिंग मशीन में डाल के धो के और हैंगर पे टांग दूंगी मैं, चिमटी में लगा के। तेरे से ज्यादा मैं ही ख्याल रखती हूँ, ठीक है? ये तुझे अच्छे से पता है, ये तो पता ही है। पानी वानी रात को उठ उठ के दरवाजा खोलना, कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है तो मैं ही भागती हूँ, तो मुंह फाड़ के सोती हो। प्लीज मम्मी ऐसे ही ख्याल रखना। विश।
शोनी बेटी ये मेरी शोनी है। ये खा ये। दर्श उठा लिया अगर कोई बैग। हाँ मैं बस स्पीच रही होंगी थोड़ा सा। हाँ ऐसे नीचे नीचे जाती जाओ। हाँ ऐसे और मेरा OOTD बाय। अरे गले लगते बाय। मेरी तरफ से नहीं होगी। मेरी तरफ से भी लड़ाई नहीं होगी। अरे मैंने फ्लाइट टिकट वगैरह भेज तो दी। चलो ठीक है चलो मम्मी बाय। इतनी बात हम घर पे नहीं करते। बैठ जाएगी तब फिर बोलना। ठीक है बाय। थैंक यू। We have reached the airport. Shit, अब हम लोग लेट हो रहे हैं और ये दे रहे हैं एक नेट पिलो 2200 रुपए का। गई मैं आज काम से। हम लोग सिर्फ फॉरेनर्स को ताड़ रहे हैं। हम लोग कितने एक्सचेंज करा रहे हैं 25,000 INR को कन्वर्ट करा रहे हैं डॉलर्स में। फिर बाली पहुंच के डॉलर्स को कन्वर्ट कराएंगे IDR इंडोनेशियन रुपीज में। अभी हमारा इमिग्रेशन हो गया है। फ्लाइट हमारी रात के 11 बजे है और अभी कितने टाइम हो रहा है हमारा 8:41। तो हमारे पास 2 घंटे हैं अभी। ये पैरिस वाला है। सब पे तो नंबर 5 है। गाइस आई गॉट माय फर्स्ट चैनल। स्मेल सो गुड। स्मेल्स डिवाइन। एक बार आई रिमेंबर कोमल पांडे ने डाला था उस टाइम से ना मेरे दिमाग में था कि मेरे को भी लेना है मेरे को भी लेना है। बट उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। ऑल्दो अभी भी लग रहा है बट उस टाइम पर तो मैं बिल्कुल ही सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा था कि कभी बाद में लूँगी। यहाँ पे टच कर प्रेस। यहाँ पे टच कर एक बार देख उधर क्या लिखा हुआ है। क्या हो गया वो कैसे हुआ ये। गुड सूप। हम लोग लाउंज जा रहे हैं अगर हमें घुसने दे दिया तो। लाउंज में ना भर भर के हमने खा लिया कॉफ़ी भी पी लिया। मेरी नींद उड़ गई है। अब हम जा रहे हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए बिकॉज इट्स 10:25 कुछ और 11 बजे तो है ही डिपार्चर। तो हमें फ्री का खाना खाया और भर भर के खाया सच बता रही हूँ। मज़ा आ गया। पेट निकल गया गाइज। गाइज पेट निकल गया गाइज। एयरलाइंस की ओर से हम आपकी सुखद उड़ान की कामना करते हैं। थैंक यू फॉर वेटिंग। व्हाट इज इट। हाय हाय नखरा तेरा नहीं। फिर आई हो ओके। मैं तो आती आती रेडियो वाली हूँ तो मेरे लिए इट्स नॉट अ बिग डील। स्कूल में जा रही है। स्कूल में जा रही है। आपको पता है मैं बैग लेने गई थी पर मिला ही नहीं तो ये मैं पापा का बैग लेके आई हूँ। एंड सी माई पेट।
नहीं आ रहा क्या बात हो रही है. What is she talking? हमें ये हेडफोन्स मिले हैं और ये हमें ब्लैंकेट मिला है और एक और चीज़ कुछ तो मिली है और ये पिलो मिला है हमें. सो क्यूट. वो मैं सर्च में ये लिख रही हूँ. Our dinner for today. तो हम लोग मलेशिया पहुंच गए. वैसे पता है ऑनेस्टली ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं किसी दूसरी कंट्री में हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया में ही ना मैं किसी और स्टेट में आई हुई हूँ. सो क्योंकि यहाँ से तो ऐसे कुछ पता ही नहीं चल रहा दूसरी कंट्री अपनी कंट्री क्या है. बट ऐसे पेट में गुदगुदी हो रही है. आई थिंक हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है. मेरी बहन जैसे वॉशरूम से आती है वी विल जस्ट गो एंड स्टार्ट बोर्डिंग. एंड मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है. यहाँ पे सी टाइप चार्जिंग कहीं पे मिल ही नहीं रहा. सो आई डोंट नो मैं क्या करूँगी. एंड मैं पावर बैंक भी लेके नहीं आई हूँ. मैं इतनी बड़ी वाली कर दी हूँ. वी हैव बोर्डेड आवर सेकेंड फ्लाइट एंड मलेशिया से अब हम जा रहे हैं बाली. इसमें 3 घंटे लगे हम. बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया. वैसे ये वाला टाइम पसंद नहीं आता और अगर विंडो सीट होती ना तो शायद थोड़ा सा मज़ा भी आता. बट हम एकदम सेंटर में हैं. ड्राइवर होंगे ना वो ऑलरेडी मेरे नाम का आई गेस प्लकार्ड लेके खड़े होंगे. और दूसरी चीज़ हाँ तो बेसिकली मैंने जो अपना ये बुकिंग किया था ना जो भी ये पैकेज मैंने बुक किया है वो मैंने महाराजा ट्रैवल्स से किया. तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया मेरे लिए. उन्होंने गाड़ी एंड ड्राइवर दोनों प्रोवाइड किए हैं. तो वो अपने मतलब हमें ना वो हैसल नहीं है कि एयरपोर्ट पर पहुँच के हमें अब कैब बुक करनी है ये सब कुछ नहीं है. सीधा वो हमें पिकअप करने आई जाएंगे. तो जो भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ना तो मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उनकी आप चेक कर लेना. तो आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है आप ले सकते हैं. हमें ये वीज़ा मिल गया. लेट्स गो टू आवर फर्स्ट होटल and our first destination which is Kuta. Hello Do you want to lunch first maybe before to the hotel? In front of your hotel there is Indian restaurant up there. यहाँ पे आ रहा था. अच्छा. So pretty. ठीक है शांति लगना है. दीदी बताइए तो
We have क्या? हाँ, हम लोग होटल पहुँच गए अपने. अब मुझे सबसे पहले अपना फ़ोन चार्ज करना है क्योंकि मैं अपने बहन के फ़ोन में कर रही हूँ और मेरा फ़ोन इज़ कम्प्लीटली डिस्चार्ज. यहाँ पर मुझे अब तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है अपनी बात समझाना यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ पर लोगों को ना हिंदी आती है प्रॉपरली, ना इंग्लिश आती है. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है बताना. दूसरी चीज़ जो मैंने इतनी बड़ी वाली कदा बनती करी क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला यार. अपने साथ पावर बैंक ज़रूर लेके आना, स्पेशली अगर आपके पास आईफोन है तो पावर बैंक के बिना तो आना ही मत. बड़ा क्यूट सा और छोटा सा रूम है, आपको दिखाती हूँ. रुको, ये हमारा रूम है जिसको थोड़ा सा आते ही मैंने कबाड़ा बना दिया है. बेड पे क्योंकि सूटकेस रखा है और हमेशा ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ लीक होके ना चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो आज मेरा शैम्पू लीक हो गया. बाय द वे दिस रूम इज सो क्यूट, छोटा सा प्यारा सा, एंड दैट्स मी. इधर ये वॉशरूम है और यहाँ पर एक और रूम है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी. यहाँ पर तैयार हो रही है और ऐसे सोफ़ा वगैरह ऐसे है, छोटा सा क्यूट सा. मतलब यहाँ पे हर चीज़ छोटी सी क्यूट सी है. ये रही मैं. फील फ्री टू रीफिल द वाटर फ्रॉम द डिस्पेंसर एट कॉरिडोर रीफिल स्टेशन. यहाँ पर ये लोग पानी की बॉटल्स नहीं देते, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना फ्री कॉम्प्लीमेंट्री पानी जो होता है, वो नहीं होता. आपको बार बार बाहर से रीफिल करना होगा. ये रही बालकनी. बालकनी का साइज़ तो अच्छा खासा है बट व्यू अच्छा खासा नहीं है. बट उनके पास अभी यही रूम्स अवेलेबल थे, सो वी डोंट हैव एनी चॉइस. सो ये बालकनी, ये इतनी लंबी बालकनी है, यहाँ पे हम बैठने भी नहीं वाले. ओह माय गॉड, यहाँ पर ना अजीब सी बदबू आ रही है. हाँ, मेरे पास ही है ना. हाय गाइस, अभी हम लोग थोड़ा सा रेडी हुए हैं, फ्रेश होके मैंने वापस नहीं, मैंने पहले तो मेकअप किया ही नहीं था. अभी मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है नहा धो के. हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही पैदल, अराउंड 200-250 मीटर्स की दूरी पर कोई मॉल है. दूसरे शहर में आके ना हम ऑटोमेटिकली छोटे कपड़े पहनने लगते हैं कि यहाँ तो हम फुल कपड़े, मतलब सही में फुल कपड़ों के ऑप्शन तो लाए ही नहीं है. तो पास में फिर जा रहे हैं वही जो मॉल है ना, फिर देखते हैं कि क्या करते हैं. ठीक है, आपको पता है मेरे हाथों में कितने रुपए हैं? ये 22 लाख रुपए है मेरे पास, 22 लाख. यहाँ पे तुरंत हर चीज़ ऐसी होती है, 1 लाख की, 2 लाख की, 6 लाख की, ऐसे होती है. सुन के आप घबराना मत, ये IDR है, इंडोनेशियन रुपीज़, इंडोनेशियन रुपया बोलते हैं यहाँ पे. 1 लाख हमारे इंडिया का होता है अप्रॉक्सीमेटली ऐसे 560 ऐसे इस तरीके से होता है. तो उनका 1 लाख रुपये हमारे 550 के आसपास होता है. दिस इज़ व्हाट आई एम wearing. So pretty. ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना ये, मैं बता भी नहीं सकती. जो ये दिखाया ना ब्राउन ब्राउन सा, ये है शायद वो मॉल. और यहाँ पे H&M वगैरह भी है. मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, पकड़ना बारुल, फोन पकड़ना, एक बार फोन पकड़ना, एक बार फोन पकड़ना बारुल, देना बारुल, छोटा बच्चा क्या कर रहा है इधर? क्या हुआ? रगड़वा रही है. हाय, कहीं से कैट फूड लाना पड़ेगा. हाँ हाँ, दीदी मुझे भी खेलना है यार. गिर जाएगी, गिर जाएगी. नहीं गिरेगी, तुझे लगता है गिरेगी? पानन ये पूरे कीचड़ में गंदी थी. अरे यार, मेरे को उसको छोड़ के नहीं आने, कितना प्यार कर रही है.
चलना लेके आते हैं। फिशिंग करने जा रहे हैं हम लोग। मॉल आ गए। मुझे छोटी बिल्ली थी ना, उसको एक आदमी ले गया अपनी गाड़ी में। आई थिंक ही वॉज अ गुड मैन, आई एम अज्यूमिंग ही वॉज। इतना प्यारा है ये प्योर कॉटन। कितना प्यार है ये बाल मारा में, ये बैग भी लाइफ के साथ बहुत ही ज्यादा क्यूट है। यहाँ पे H&M इतना ज़्यादा बड़ा है एंड उनके स्टोर इतने ज़्यादा सुंदर है। बाहर मेरे को बाली शिफ्ट होने का मन कर रहा है। आई स्वेयर हम लोग मिनी सो आए हैं, देखते हैं यहाँ की चीज़ें इंडिया की चीज़ों से कितनी ज़्यादा। क्या हुआ कि पागल हो गई, सिर्फ बच्चे देख के पगला गई है, वो भी दूसरों के बच्चे। तो अरे उनका स्मेल तो बने दे। वाओ आई विश आप लोग यहाँ पे होते मेरे साथ भी। नो ये कैसे लग, ये है बैंड जैसा पहन इतना नहीं मना होता ना। आई एम ऑब्सेस्ड विद बॉटल्स। क्यूट पारुल ये देख, तुझे ये सड़ी हुई चीज़ें पसंद आती हैं। ये सड़ी हुई चीज़ है, मुक्का मारूंगी ना। ये क्या ये बता, वो है ना तेरे पास। ये क्या है मतलब साफ करने के लिए स्क्रब। ये स्क्रब है जहाँ तक मुझे पता है, कुछ भी बता रही है। इतनी हंसी अच्छा आप समझी। ये गाइस मस्कारा के लिए। यहाँ पे मुझे इनका ये वाला कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वाला आउटफिट हो जाएगा। मन तो मेरा बहुत करे कुछ कुछ लेने का, लेकिन मैंने बहुत शिद्दत से कंट्रोल किया है। चलो अब आई थिंक हम घर जा रहे हैं, मतलब अपने होटल में जा रहे हैं। सिम चाहिए मेरे को, क्योंकि बाहर निकल के ना ऐसे मैं कुछ खरीद नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर वाईफाई जो मिल जा रहा है ना यहाँ पर भी, बस वहीं से ले पा रही हूँ। तो अभी हम सिम लेंगे एंड देन विल गो बैक टू आवर होटल। और कल से मैं प्रॉपर मतलब यू नो थोड़ा जोश के साथ ब्लॉगिंग कर पाऊँगी, बिकॉज आज हमें बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला, बहुत ज़्यादा थक गए थे। वेरी नाइस। और इसके आगे आई डोंट थिंक सो आई विल बी ब्लॉगिंग अभी, क्योंकि कुछ खास ऐसे होने नहीं वाला। तो हम कल से एक नया दिन के साथ, एक नए दिन के साथ ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। बाली की अलग अलग जगह एक्सप्लोर करेंगे। कल मैं जा रही हूँ उबुद। उबुद का मैंने बहुत ज़्यादा सुना है नाम एंड बहुत सारे मैंने YouTube पे व्लॉग्स भी देखे हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। एक मिनट, आपको ये व्लॉग कैसे लगा सब्सक्राइब कर देना, इफ यू रियली लाइक इट लाइक कर देना अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई हो तो, एंड कमेंट में तो ज़रूर करके बता देना आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई रियली होप आपको ये बाली ट्रैवल सीरीज पसंद आए। सो या आई सी नेक्स्ट टाइम। बाय। 58,000 ऐसे नहीं कर दी। थैंक यू थैंक यू। मुझे एक चाहिए। लेट्स ट्राई दिस। इज गुड।